हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके LLB एग्ज़ाम को लेके कि जो आपके अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है उसके जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत मतलब डिमांड है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे हमारे सब्जेक्ट में कि हम कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और वैसे तो हम सारे क्वेश्चन पढ़ें पर जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स थी, उनकी डिमांड थी, तो आज हम वही सारे क्वेश्चन है जो आपके निकाल के लाए हैं कि आपके लिए मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से होने वाले हैं। देखिए, वैसे हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार पूरी जॉब सीरीज़ बुक कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पूरा ही पढ़िए, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम श्योरिटी नहीं देते कि बिल्कुल यही आपके क्वेश्चन एज इट इज़ यही मिल जाएंगे, पर हाँ श्योरिटी इतनी दे सकते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। पर हम यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आप एक बार तो अपना पूरा जो सिलेबस है वो कवर करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखें, ठीक है? आप इस पर डिपेंड मत हो जाना, ठीक है? तो चलिए अभी हम देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना जिससे अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है? तो चलिए अभी हम देखते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिल जाए, और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको LLB, जुडिशरी, JLO सभी से रिलेटेड आपको अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखिए, टॉर्ट होता है उसको हम अपकृत्य भी बोलते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे LLB एग्ज़ाम के लिए वो दोनों मीडियम से देखेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और जो आपकी जैसे कोई भी, चाहे लॉ हो चाहे कोई अदर बुक्स हो, कोई भी जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा उससे रिलेटेड ही मिलता है, जैसे अपकृत्य विधि क्या है या फिर डिफाइन टॉर्ट और उसके कुछ जो मतलब आवश्यक तत्व हैं, या फिर किसी में डिफरेंसेस पूछ लेगा, इस समथिंग ऐसे ही होता है, ठीक है? तो इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अगर हम कॉमन सेंस से निकालें कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वो ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, अपकृत्य की परिभाषा दीजिए व इसके आवश्यक तत्व बताइए, अपकृत्य व संविधा भंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो आपका टॉर्ट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमेशा, तो वो मतलब परिभाषा से रिलेट करेगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इन एन एक्शन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इट इज़ द एक्ट एंड नॉट द मोटिव फॉर द एक्ट इज़ इन इम्पोर्टेंट। मतलब जो कार्य और हेतु नहीं बल्कि कार्य महत्वपूर्ण अपकृत्य विधि के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो आपके बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि, मतलब इंजूरिया साइन डेमेनम और डेमेनम साइन इंजूरिया, ये क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपके क्वेश्चन है जो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द मैक्सिम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मैक्सिम, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प डिसाइडेड केसेस। मतलब स्वेच्छा से उठाई गई हानि की युक्ति को समझाइए, इसकी क्या परिसीमाएं हैं, निर्णितवादों की सहायता से अपने उत्तर को दीजिए, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व दायित्व से आप क्या समझते हैं, भारत सरकार अपने कर्मचारी के द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान किए गए अपकृत्यपरण के कार्य के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक उपताप की परिभाषा, मतलब न्यूसेंस होता है उसके लिए जो निजी और जो सरकारी होता है उसके बारे में जो अंतर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुतियाँ स्वयं बोलती हैं, व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत्य किए जाने के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, MV एक्ट का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं जितने भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट्स निकाले हैं। एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लेना। मान लीजिए इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? तो अभी आप क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ही सारे जो है रिवाइज कर, और ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। अगर टॉर्ट के आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, पेड नोट्स अवेलेबल है, तब वो भी ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था आगे स्क्रीन पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे जो है अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।